अभी अपने देखने वालों को बताएं कि आर्मी चीफ का भारतीय प्रोपेगेंडा का मुंह तोड़ जवाब। आर्मी चीफ का कहना है कि पाकिस्तानी फौज हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। मुसल्ला फौज कई जंगी मुश्किलात का सामना कर चुकी है। पाकिस्तानी फौज दुनिया में सबसे ज्यादा जंगी तजर्बा रखती है। आर्मी चीफ का भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब। आर्मी चीफ का कहना है कि पाकिस्तानी फौज हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। मुसल्ला फौज कई जंगी मुश्किलात का सामना कर चुकी है। पाकिस्तानी फौज दुनिया में सबसे ज्यादा जंगी तजुर्बा रखती है। ऐसा कहना है आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ का। उनका कहना है कि मुसल्लाबाद कई जंगी मुश्किलात का सामना कर चुकी है। पाकिस्तानी फौज दुनिया में सबसे ज्यादा जंगी तजुर्बा रखती है। आर्मी चीफ का भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब। आर्मी चीफ ने भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस पर बात करते हैं ताहिर राठौर से। ताहिर राठौर, आर्मी चीफ का कहना है कि पाकिस्तानी फौज कई जंगी मुश्किलात का सामना कर चुकी है और मुंह तोड़ जवाब दिया है भारत को। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने आज एबटाबाद में वहाँ पे जारी एफएफ सेंटर में जो मशकें हैं, जो मुकाबले हैं, चैंपियनशिप मुकाबले, उनका मुआयना किया और वहाँ पे उनसे खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो फौज है वो दुनिया की बेहतरीन अफवाज में इसका शुमार होता है और पाकिस्तानी फौज ने कई जंगी मुश्किलात का सामना किया है और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी फौज किसी भी जारियत का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए हमारा वक्त तैयार है। उन्होंने इस जरूरत पर भी जोर दिया कि पेशा वराना अमूर की बजाय आवरी के लिए जिस्मानी फिटनेस के साथ साथ पेशा वराना सलाहियतों में महारत भी अहमियत की हामिल है और पाक फौज इन एक्सरसाइज को हमेशा जारी रखेगी। अच्छा बताइएगा, जैसे कि आर्मी चीफ का कहना है कि पाक फौज जंगी तजर्बा सबसे ज्यादा रखती है दुनिया में और जैसे कि भारत ने दावा किया है कि पाकिस्तान की तरफ ये हमला किया गया और बदला ले लिया गया उड़ी हमले का, इस हवाले से कुछ कहना था आर्मी चीफ का? देखिए, आर्मी चीफ ने इससे कबल वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ बातचीत करते हुए वाजह किया था कि भारतीय दावा ये सर्जिकल स्ट्राइक का बिल्कुल बेबुनियाद और गलत दावा है। उन्होंने ये वाजह किया कि भारतीय फौज की जनरल से लाइन ऑफ कंट्रोल के चार मुकामात पर जो बिला इश्तियाल फायरिंग की गई थी उसका पाकिस्तानी फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसका भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अलबत्ता उनका ये कहना था कि अगर पाकिस्तान के किसी भी इलाके में सर्जिकल स्ट्राइक या किसी किस्म की भी जारहियत की गई तो पाकिस्तानी फौज मुकम्मल तौर पे भरपूर जवाब, बल्कि मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, पूरी कुव्वत के साथ मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, हमारा वक्त तैयार है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि पाक फजाइया की जानब से भी एक स्टेटमेंट आई और पाक फजाइया ने ये वाजिया किया कि भारत का एक भी जंगी जहाज पाकिस्तानी सरहदों के करीब तक नहीं भटका और ये दावा गलत है और बेबुनियाद है कि भारत ने किसी किस्म का कोई स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक पाकिस्तान के किसी इलाके पर की है। अलबत्ता ये 5.5 घंटे सुबह 2:30 बजे से लेके 8 बजे तक जो बिना इश्तियाल फायरिंग भारत ने की, उसके जवाब में जो पाकिस्तान ने कार्रवाई की, इस जवाब में भारत की 3 चेक पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह और 4थी जुज़वी तौर पर तबाह हुई है और भारत का जो सप्लाई रूट है वो बुरी तरह से मुतासर हुआ है और भारत को मुश्किलात का सामना है सप्लाई आगे अगली लाइनों तक, फ्रंट लाइन्स तक पहुंचाने में। और इसके अलावा भारत का जो जानी नुकसान हुआ है, जो फौजी ठीक है। ताहिर राठौर, आपका बहुत शुक्रिया। इस तजयकार हुमा बकाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इसी पे बात करते हैं। हुमा बकाई साहब, अपनी आवाम को मुतमईन करने के लिए जो ड्रामा मोदी हुकूमत की जानिब से रचाया गया है, क्या ये लग नहीं रहा कि ये भारत के अपने गले का फंदा बनने जा रहा है? मेरे ख्याल है कि भारत ने, जैसे मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की, अपने आप को बंद गली में ले गया है और इस वक्त जो उसने सूरत हाल की उसकी वजह से एक बात तो बिल्कुल ऑब्वियस हो गई है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये एक बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैये के तौर पर सामने आएगा और पाकिस्तान बाहरा ये बात कैसे कहे कि अगर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की जाएगी तो फिर पाकिस्तान जो है वो मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान जंग करना नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान जंग का जवाब देने की पूरी कैपेसिटी कैपेबिलिटी रखता है और वो सूरत हाल आपने आज देखी कि पाकिस्तान ने यही किया। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस बात से इंटरनेशनल कम्युनिटी को और भी परेशान होना चाहिए, वो ये है कि अगर हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे इस किस्म का एडवेंचरिज्म होता है, इसका डायरेक्ट नुकसान होगा अफगानिस्तान की सूरत हाल को और खित्ते में जो अमन है। तो मेरा ख्याल है कि न सिर्फ ये कि अमरीका बल्कि चाइना और रशिया और दीगर ताकतों को भी ये देखना चाहिए कि किन का इंटरेस्ट है कि खित्ते का अभन तबाह किया जाए ताकि जो खित्ते की माशी तरक्की सी पैक की वजह से होने वाली है उसमें रोड़े अटकाए जाएं और रुकावटें खड़ी की जाएं। मेरे ख्याल है कि बहुत हिस्टोरिकल मोमेंट है और देखना है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको रिस्पॉन्ड करती है या नहीं।
ये बात सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया के बीच में न्यूक्लियर वॉर होगी या नहीं, बात यह है कि इसके असरात अफगानिस्तान पे क्या पड़ेंगे, बात यह है कि इस खत्ते की माशी तरक्की पे क्या पड़ेंगे। और इंडिया ने तो अपने पाँव पे भी इन संवेद कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि आज उनकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्रैश की है, उनकी करेंसी ड्रॉप हुई है, और 2008 में भी इसी किस्म का माशी नुकसान इंडिया उठा चुका है। तो मेरा नहीं ख्याल, मुझे समझ में नहीं आता कि मोदी जो है वो किस किस्म के लीडर हैं, वो किस किस्म के रिस्क ले रहे हैं, और अपनी बात पूरी करने के लिए वो इंडिया को भी किस तरफ धकेल रहे हैं। और मेरे ख्याल है कि रिस्ट्रेन, उनके ऊपर रिस्ट्रेन लगना चाहिए बाहर से भी और हिंदुस्तान से अंदर से भी। डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका।